चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, महज सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। चिराग पासवान ने उस लोकसभा में अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और तय करने के बाद उम्मीदवारों को कह भी दिया गया है कि आप जाकर के चुनावी मैदान में लोगों से मिलते जुलते रहें। दरअसल चिराग पासवान और पशुपति पारस के दरमियान राजनीतिक लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के खेमे में सारी सीटें डाल दी। उसके बाद से चिराग पासवान उम्मीदवारों की तलाश में थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान अपने करीबी लोगों को चुनाव लड़वा सकते हैं, जिसमें से एक उनके जो जीजा हैं उनको उन्होंने जमुई से चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके अलावा जो दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा थी, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो आज इस बात का खुलासा हम कर रहे हैं। उसमें से एक नाम है शंभावी चौधरी, यानी मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में उनका शुमार किया जाता है। उन्होंने अपनी बेटी को राजनीति में लॉन्च करने का प्लान बनाया। पहले खबर यह थी कि जमुई से वो चुनाव लड़ सकती हैं, इसलिए कि वो रिजर्वेशन में आती है और सुरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ना उनके लिए मुमकिन है। तो आचार्य किशोर कुणाल की बहू शंभवी चौधरी जो है समस्तीपुर से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है, और यह कहा जा रहा था कि प्रिंस वहां पर मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन प्रिंस की हालत ऐसी है कि पारस चचा की वजह से उन्हें चुनावी मैदान से आउट होना पड़ा और वहां पर रामविलास पासवान के जो पुत्र है चिराग पासवान, उन्होंने अपना उम्मीदवार देने का फैसला किया। तो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और आचार्य किशोर कुणाल की बहू शंभवी चौधरी चुनावी मैदान में होंगी, और वहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए कि महागठबंधन की तरफ से अब तक किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई है और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़े अधिकारी यानी पूर्व अधिकारी को उतारने की कोशिश में लगी हुई है, और चुनावी मैदान में चुनावी तैयारियों से पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उन्होंने चुनावी मैदान में शंभवी चौधरी को उतारने का फैसला किया है, और शंभवी चौधरी के बारे में लोग ये पूछते हैं कि वो है कौन, तो लोगों को बताना जरूरी है कि वो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और आचार्य किशोर कुणाल की बहू है, इसलिए उन्हें सुरक्षित सीट पर उतारना आसान है। और अशोक चौधरी ने यह फैसला लिया कि जमुई के बजाय समस्तीपुर से अपनी बेटी को राजनीति में लॉन्च किया जाए, और उनका भी सपना है कि बेटी कम से कम एक बार पार्लियामेंट पहुंच जाए, और चिराग पासवान के सहारे ये नैया पार लगाने की कोशिश की जा रही है। तो चिराग पासवान की दो तीन उम्मीदवारों के नाम की जो घोषणा है वो तो नहीं हुई है, लेकिन नाम फाइनल हो गया है, उन्होंने भी कह दिया, और हम भी खबर आपको दिखाते रहे कि ये दो तीन नाम ऐसे हैं जिनके नाम पर आधिकारिक तौर पर तो मोहर लग गई है, लेकिन वो बातें सामने नहीं आई है। उन उम्मीदवारों को कह भी दिया गया कि आप अपने इलाके में जाइए और चुनावी मैदान में जाकर के कोशिश कीजिए। उसी में से एक नाम है मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री शंभवी चौधरी का।